हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद हरियाणा बीजेपी सरकार ने जगह जगह अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसके माध्यम से भाजपा के नेताओं ने लोगों को बताया कि अब तक उनकी सरकार ने कितने विकास कार्य किए हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं फरीदाबाद की बल्लमगढ़ विधानसभा की, जहाँ पर बल्लमगढ़ के विकास के लिए करोड़ों रुपये की राशि सरकार द्वारा दी गई, पर क्या वह राशि सही तरीके से विकास कार्य में लगाई गई है? अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से सरकार के फैसलों पर ठेकेदार सहित संबंधित विभाग पलीता लगा रहे हैं। ये जो कौन सा रोड है? अरे ये तेल रोड भाई, लड़कियों के समूह के साथ। तो ये तेल कैसी है बताओगे? तेल भाई लोकल है। कैसे लोग उठाना है? ये समारका नहीं लगा हुआ, ये लोकल तेल है। लोकल तेल है घटिया, कैसे लग रहा देखने में, जैसे उठा रहे हैं? लगी रहा है लोकल है, फूट फूट का अपना भी गिर रही है। ये भाई साहब तिगाम रोड है, लड़कियों का सबूत सामने है। ये जो है लोकल टैली लगाई जा रही है, ISI मार्ग का कोई टैल नहीं है। ये पता नहीं ये ठेकेदार लगा रहा है, कौन लगा रहा है। ये हमारी रोड की व्यवस्था खराब हो रही है भाई, दुकानों के आगे ये गड्ढे हो जाएंगे, टैले टूट जाएंगी जल्दी, तो हमें सुविधा नहीं होगी, हमें सुविधा का सामना करना पड़ेगा। कैसी टैल है आपने उठाई थी अभी? ये लोकल टैल है, ये ISI मार्कर नहीं है, बिल्कुल बेकार टैल है। डालिए खाना पूर्ति करी जा रही है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया से घटिया है ये। अब जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यह बल्लमगढ़ के वार्ड नंबर 37 स्थित तिगांव रोड का है, जहां कुछ दिन पहले ही तिगांव रोड को RCC रोड बनाया गया था और अब उस पर RCC रोड के किनारे इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जा रही हैं, जो कि घटिया सामग्री से बनी हुई हैं और ना ही उन टाइलों पर सरकार के निर्देश अनुसार कोई ISI मार्क है। हम आपको बता दें, सरकार ने 1 नवम्बर 2017 से विकास कार्यों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइलों को ISI मार्क टाइल लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन बावजूद उसके तिगांव रोड पर लगने वाली टाइलें नॉन ISI मार्क का टाइलें हैं, जिसे ठेकेदार खुलेआम धड़ल्ले से लगा रहा है। ना तो उसे किसी सरकार का डर है और ना ही किसी प्रशासन का। इसी को लेकर मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भी इंटरलॉकिंग टाइलों पर ISI मार्क ना होने की बात कबूली। ये टाइल जो आपने अभी लगाई है, ये ISI मार्क का टाइल है या नहीं, दिखाना एक बार उठा के। इसमें कहीं लिखा हुआ है ISI मार्क का? कहीं लिखा हुआ है ISI मार्क का? इस पे कहीं नहीं लिखा हुआ ना, ISI मार्क का टैल नहीं है ये। जब इस मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक यादव से मिले तो उन्होंने बताया कि सिर्फ तिगांव रोड ही नहीं बल्कि मोहना रोड, सौपुट रोड और सीगेट रोड पर भी ठेकेदार ने घटिया सामग्री लगाकर रोड का निर्माण किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने सदन में कई बार उठाई, लेकिन सदन में भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। हालांकि पार्षद दीपक चौधरी ने बताया कि यह सब सरकारी अधिकारियों और बड़े नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। मैंने तिगांव रोड की सड़क की जो गुणवत्ता का जो विषय है अपनी सदन की मीटिंग में उठाया था और इसकी गुणवत्ता को लेकर मैंने लैब रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि जो इसमें क्योंकि हमारे पास शिकायत थी और हमने खुद मौके पर भी जाके इसको देखा था कि सड़क की गुणवत्ता ठीक नहीं है, काम ठेकेदार सही तरीके से नहीं कर रहा है। ये मैंने इसकी शिकायत सदन में लिखित रूप से दी थी और इससे लैब रिपोर्ट मांगी थी कि भाई आप इसकी लैब रिपोर्ट दें कि जो सड़क की गुणवत्ता है, जो RMC जो लग रही है उसमें, उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या वो अपने पैमाने पे पूरी उतरती है कि नहीं उतरती है। आज तक वो रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है, पिछले 4 महीने से हमारी सदन की मीटिंग हुई नहीं है इन्हीं कारणों की वजह से। और जितनी भी टाइल का काम पूरे वार्ड क्या पूरे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो भी काम होना है टाइल का, वो ISI मार्क का होना है। ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, ये हमारे कानून निगम के कायदे कानून के अंदर आता है। बिना ISI मार्क के कहीं पर कोई भी टाइल नहीं लग सकती। मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पैसे भी दे रहे हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, वो काम सही तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी 100 रुपये दे रहे हैं तो मुझे लगता है शायद 50 रुपये ही सड़कों पर लग रहे हैं, उसमें भारी दिक्कतें हैं और बहुत सारी कमियां हैं, अधिकारियों की भी कमियां हैं, ठेकेदारों की भी कमियां हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना है कि इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ब्लैकलिस्ट किया जाए और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। ठेकेदार कौन है जो कार्य में? ठेकेदार ये जो काम है सॉफ्ट अपना तिगांव रोड का, ये सतवीर नाम का एक ठेकेदार है उसके पास है, इसकी देखरेख एक चंदू नाम का एक लड़का है, वो इसको देखरेख करता है। जबकि ठेकेदार की हमने शक्ल आज तक नहीं देखी कि ठेकेदार
कभी किसी के सामने नहीं आया, वही व्यक्ति इसको। वहीं इस पर बल्लमगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने स्वीकार किया कि 1 नवंबर 2017 के बाद होने वाले विकास कार्यों में ISI मार्क टाइलें इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन विधायक ने बताया कि इन सड़कों का टेंडर 2017 से पहले ही दिया जा चुका था, इसलिए यहां पर नॉन ISI मार्क का टाइलें लगाई जा रही हैं। साथ ही घटिया सामग्री लगाने की बात पर कहा कि जो टेंडर में है वैसा ही कार्य हो रहा है। और वहीं पार्षद के आरोपों पर बोले कि पार्षद भाजपा के खिलाफ है और उसके कहने से कुछ नहीं होता। IS मार्ग का कुछ 2017 के बाद हुई है और जो 2015-16 में जो टेंडर थे उससे पहले नॉन IS मार्ग थे। अब कौन से ये टेंडर है पहला और जो टेंडर इसके बाद IS मार्ग का है, और ये है जब मुख्यमंत्री जी आए थे 15 में पानी का उद्घाटन, उस समय की रोडों का है, और जो की हैं जो IS मार्ग का होंगे, और उसमें भी क्या है कि पुराना काम है और खुश होने ना कि आप खुश होने चाहिए, बक्सर खुश हों। डॉक्टर साहब, पार्षद से बात हुई हमारी, जो पार्षद है वार्ड नंबर 37 के, वो भी कह रहे हैं कि जी टाइल इतनी डब क्वालिटी की, अगर जो आपस में भिड़ाएं तो टूट जा रही है, तो क्या पार्षद तो चुनाव लड़ना चाहता, पार्षद तो बीजेपी के खिलाफ बगावत है जी। पार्षद कहने से नहीं होगी, पार्षद कहने से नहीं होगी, जो जो अपना है जो टेंडर में है वही काम। रोड भी खराब हुए पड़े हैं, जो टेंडर में काम है 2 साल रोड बने होंगे, जो काम है 2 साल बन चुके हैं और जो काम है वही है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा शासन और प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई अमल में लाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कार्य किसकी सहमति से खुलेआम किए जा रहे हैं।